कौन है यार सुबह सुबह? विक्रम, लगता है होली का नशा नहीं उतरा पट्टे का। हाँ विक्रम, बोल बेटे, क्या हाल है तेरे? बेटा, मैं विक्रम की मम्मी बोल रही हूँ। सॉरी आंटी, मुझे लगा विक्रम है। विक्रम तो हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में? विक्रम हॉस्पिटल में? हाँ। आंटी, क्या हो गया इससे? कल तो ये बिल्कुल ठीक ठाक था। अरे कल तो ये हमारे साथ होली खेल रहा था। होली खेल रहा था? बांटने का त्योहार है, किसी को चोट पहुंचाने का नहीं। क्या तुम लोग नहीं जानते, पापा के जाने के बाद विक्रम ही मेरा और माँ का आखिरी सहारा है। तुम्हारी इस बेहुदा हरकत की वजह से आज अगर इसकी आंखें चली गई होती तो मेरी और माँ की जिंदगी तो अंधेरे में ही डूब जाती। सॉरी दीदी, गलती हो गई हमसे। सॉरी, हमें नहीं पता था कि इतनी बड़ी बात हो जाएगी। हम लोग क्यों सोचते हैं कि ढेर सारा रंग और गुलाल उड़ाकर ही होली का त्योहार मनाया जा सकता है, चाहे उसमें मिले केमिकल की वजह से किसी की आंखें चली जाए या उसका शरीर खराब हो जाए। हम क्यों हर साल होली के नाम पर हजारों लीटर पानी यूं ही नालियों में बहा देते हैं, चाहे उसकी वजह से हमारे देश का किसान प्यासा मर जाए। अरे होली का त्योहार तो खुशियों भरे रंग से एक तिलक लगाकर भी मनाया जा सकता है और खुशियों का इजहार किया जा सकता है। प्लीज, जो गलती हमने की वो आप मत कीजिएगा। जो गलती इन लड़कों ने की वो आप नहीं कीजिएगा। आइए हम संकल्प लें कि केमिकल मिले रंगों से नहीं खेलेंगे होली। हम नहीं करेंगे बर्बाद हमारे देश का पानी। आइए हम खेलें तिलक होली। हैप्पी होली।